हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रितु और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मीशो हॉल। और आज का पूरा हॉल जो है वो डेडिकेटेड है समर को। इसमें आपको जो है 2 पीस के कुर्ते सेट भी मिलेंगे, 3 पीस के कुर्ते सेट भी मिलेंगे और सिंगल पीस की कुर्ती भी मिलेगी, जिन्हें आप डेली में वेयर करना चाहें डेली में वेयर कर सकते हैं, अपने वर्क प्लेस पे पहन के जाना चाहें तब पहन सकते हैं, या फिर आप आउटगोइंग के लिए कहीं जा रहे हैं तब भी इजिली वेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो फर्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है एक ही सिंगल पीस की कुर्ती, बाकी सभी जो हैं वो 2 पीस और 3 पीस के कुर्ता सेट हैं। तो पहले मैं आपको जो है ये सिंगल पीस की कुर्ती दिखा देती हूँ। वे है एक बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर में, मल्टी कलर में ये कुर्ती है, बेबी पिंक और येलो वाइट के कॉम्बिनेशन में ये कुर्ती है। फैब्रिक जो है इस कुर्ती का है वो है कॉटन, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है। समर में पहनने के लिए एकदम कंफर्टेबल पीस है ये। इसका राउंड शेप में जो है इस तरीके से नेक बना गया है, पीछे से बहुत ही ज़्यादा छोटा सा कट दिया गया है और आगे जो है इसके नेक पर फ्रंट साइड पर ये पट्टी लगाकर उसके ऊपर ये बटन की डिटेलिंग की गई है। बटन की क्वालिटी भी अच्छी दी गई है, आप देख सकते हैं इसको। 3/4 जो है इसकी स्लीव्स दी गई है, स्लीव्स के ऊपर इस तरीके से अलग से बॉर्डर अटैच किया गया है और ऊपर से ये डिटेलिंग की गई है। लेंथ भी इस कुर्ते की फुल दी गई है, आप इसमें जो है अपना एक्चुअल साइज बाय कर सकते हैं। एकदम कंफर्टेबल कुर्ता है, आप चाहें इसको पिंक कलर की बॉटम के साथ में या फिर वाइट कलर की बॉटम के साथ में इजीली पहन सकते हैं। और इस कुर्ते का जो लुक आता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर आता है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में था। इसका जो प्राइस है मैंने साथ में मेंशन कर दिया है और इसका कोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था मेरा फर्स्ट कुर्ता। सेकंड जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है कि 3 पीस का कुर्ता सेट। ब्रांड नेम इस पर जो लिखा हुआ था वो था बुनाई, लेकिन ये ओरिजिनल बुनाई नहीं है, रेप्लिका है उसका ये। तो राउंड शेप में जो है इसका ये नेक दिया गया है, नेक के ऊपर इस तरीके से ये पट्टी पट्टी लगाकर अलग से मरून कलर जो इसके बॉटम है उसकी ये डिटेलिंग की गई है इस तरीके से। 3/4 जो है इसकी स्लीव दी गई है, स्लीव्स पर भी इस तरीके से ये पैटर्न बनाया गया है वी के शेप में। और इसके ऊपर जो ये प्रिंट है क्रीम कलर के कुर्ते के ऊपर जो है ये मरून और ग्रीन कलर का ये कॉम्बिनेशन से प्रिंट किया गया है। और फैब्रिक जो है इस कुर्ते का है वो है रियोन, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, पहनने में कंफर्टेबल है, तो इजीली आप इसको समर में पहन सकते हैं। ये है इस कुर्ते का फ्रंट लुक, बैक साइड पर भी इस पर सेम ही ये प्रिंट किया गया है। ओवरऑल इस कुर्ते का लुक जो आता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है और बाकी इसका जो लुक है आपको ट्रेंड में अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पहनने के बाद में ये कुर्ता सेट कैसे लगता है। सेकेंड जो इसके साथ में दिया गया है वो है इसकी ये पैंट, फुल्ली इलास्टिक की डीडी है इसकी ये पैंट, ऊपर से ब्रॉड दी गई है, फुल लेंथ की दी गई है और नीचे से इतनी विड्थ दी गई है, इजी कंफर्टेबल है पहनने में, इजीली आप इसको समर सीजन में पहन सकते हैं। इसके बॉटम का भी फैब्रिक जो है वो रियोन है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है पहनने में, तो ओवरऑल ये मुझे अच्छा पीस लगा है। और इसमें जो है एक साइड में जो है इसकी पॉकेट भी प्रोवाइड की गई है पैंट में, तो काफ़ी अच्छा है, पहनने में भी कंफर्टेबल है और लुक भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। थर्ड और लास्ट पीस जो इस कुर्ते के साथ में दिया गया है वो है इसका ये दुपट्टा, शिफॉन का ये इसका दुपट्टा दिया गया है, फुल लेंथ विड्थ का ये दुपट्टा है और प्लेन है, बेसिकली एक प्लेन शिफॉन का दुपट्टा है, इतनी इसकी विड्थ दी गई है और अप्रोक्स 2.25 मीटर के अराउंड जो है इस दुपट्टे की लेंथ है, कंफर्टेबल है पहनने में, इजीली आप इसको समर में पहन सकते हैं। तो ये था इसका थर्ड पीस, ओवरऑल एक अच्छा पीस है, तो अगर आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसका भी कोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थर्ड जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो भी एक ये 3 पीस का ही कुर्ता सेट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर में मैंने ये लिया है और इसमें जो है मर्चेंटा ऑरेंज और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन में ये कुर्ता सेट है। तो फर्स्ट जो मैं आपको इसका एक कुर्ता दिखा देती हूँ, इस तरीके से राउंड शेप में इस कुर्ते का नेक बना गया है और पीछे से थोड़ा सा कट दिया गया है और आगे ट्रायंगल शेप की लेस लगा कर इस तरीके से ली डिटेलिंग की गई है फ्रंट के नेक साइड पे। 3/4 जो इसकी स्लीव है आगे से इस पे भी ये ट्रायंगल शेप की जो लेस होती है वो अटैच की गई है। ओवरऑल कुर्ते पर यही जिगजैग का जो पैटर्न होता है वो बना गया है ऑरेंज मर्चेंटा और ग्रे कलर में। और इस कुर्ते का जो फैब्रिक है वो है कॉटन, प्योर कॉटन का ये कुर्ता है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है पहनने में। मगर मैं आपको जो है इसमें एक चीज़ जो सजेशन ये देना चाहूँगी, आप इसमें जो है अपना एक साइज़ जो है वो अप करके बाय कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको एक्सेल साइज़ में मंगाया है और थोड़ा सा ये मुझे फिटेड लग रहा है और कॉटन में है तो थोड़ा सा वॉश होने के बाद में ये स्ट्रिंच भी हो सकता है, तो आप इसमें अपना जो है एक साइज़ वो अप करके बाय सकते हैं। बाकी इसका
लूप कुर्ते का और फैब्रिक क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आप इसमें अपना जो है एक साइज़ वो अप करके बाय कर सकते हैं। ये है इस कुर्ते का फ्रंट साइड, सेम ही पैटर्न में जो है इसका बैक साइड भी है, तो ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो ये था इसका कुर्ता। सेकेंड जो इसके साथ में दिया गया है वो है इसकी ये पैंट, ऑरेंज मर्चेंटे के साथ में ये ग्रे कलर की कॉम्बिनेशन में जो है ये पैंट दी गई है। फुल्ली इलास्टिकेटेड है, ऊपर से ब्रॉड दी गई है, फुल लेंथ की है और नीचे से इसकी इतनी विड्थ दी गई है, ना ज़्यादा नैरो है और ना ही ज़्यादा ब्रॉड है, तो ओवरऑल कंफर्टेबल है पहनने में। और फैब्रिक जो है इस पैंट का भी कॉटन दिया गया है, तो कंफर्टेबल है पहनने में, इजीली आप इसको समर में पहन सकते हैं। थर्ड और लास्ट जो इसके साथ में दिया गया है वो है इसका दुपट्टा, प्योर कॉटन में जो है इसका ये दुपट्टा दिया गया है, ग्रे के कॉम्बिनेशन में ही है, जो इसके बॉटम का कलर है वही इसके दुपट्टे का कलर है। दुपट्टे की विड्थ जो है वो ज़्यादा नहीं दी गई है, वो इतनी दी गई है। लास्ट में जो है इसके जो कुर्ते का पैटर्न है उसकी डिटेलिंग की गई है इस तरीके से ब्रॉड बॉर्डर लगा के, बाकी ये ओवरऑल प्लेन है इसका दुपट्टा। और अप्रोक्स 2.25 मीटर के अराउंड जो है इस दुपट्टे की लेंथ है, साइड से ड्रेप करने के लिए ओके है, ज़्यादा लेंथ विड्थ इस दुपट्टे की नहीं है, पर लेकिन साइड से आप इसको ड्रेप कर सकते हैं। बाकी फैब्रिक की क्वालिटी जो है इस कुर्ते की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अगर आपको पसंद आए तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं इसको। फोर्थ और लास्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये कि ये 2 पीस का कुर्ता सेट, बहुत ही सुंदर कलर में जो है ये कुर्ता सेट मैंने पिक किया है, पिंक ग्रीन मल्टी कलर में ये कुर्ता सेट है। तो फर्स्ट जो मैं आपको इसका कुर्ता दिखा देती हूँ, ये है इसका कुर्ता, राउंड शेप में जो है इसका ये नेक बना गया है, नेक के ऊपर जो है इस तरीके से ट्रायंगल शेप में लेस लगाकर अलग से बटन की डिटेलिंग की गई है इस तरीके से। बटन की क्वालिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। 3/4 जो है इसकी स्लीव है, स्लीव्स के ऊपर भी इस तरीके से बॉर्डर लगा कर ये ट्रायंगल शेप में जो है लेस प्रोवाइड की गई है। और ओवरऑल कुर्ते पे इसी तरीके से प्रिंटेड ये कुर्ता है, सेल्फ में जो प्रिंट होता है वो है, तो वॉश होने के बाद में ये निकलने का भी इसमें से कोई वो नहीं है। और इस कुर्ते का जो फैब्रिक है वो है कैमरिक कॉटन, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कंफर्टेबल है और फैब्रिक की क्वालिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये कुर्ता जो है मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, तो अगर आपको पसंद आता है तो आप ट्राई कर सकते हैं। ये है इस कुर्ते का फ्रंट साइड और ये है इस कुर्ते का बैक साइड, से सेम ही दिया गया है। बाकी इसका जो लुक है आपको ट्रेंड में अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पहनने के बाद में ये कुर्ता कैसे लगता है। सेकंड जो इसके साथ में दिया गया है वो है इसकी ये पैंट, फुल्ली इलास्टिकेटेड है और फ्रंट साइड में जो है इसके ये स्ट्रिंग भी प्रोवाइड की गई है, पर इसकी ऐसे नीड नहीं होती है, तो आप इसको ऐसे भी पहन सकते हैं। ऊपर से ब्रॉड दी गई है और इसमें भी जो है एक साइड पैंट में जो है पॉकेट प्रोवाइड की गई है, और फुल लेंथ की इसकी ये पैंट दी गई है, लेंथ ही इसकी फुल है और नीचे से इस तरीके से ये ब्रॉड दी गई है और साइड में जो है इसके बूट कट भी प्रोवाइड किया है। तो ये फिटेड नहीं है, ये पैंट काफ़ी ज़्यादा लूज फिट में है, तो कंफर्टेबल है पहनने में। तो अगर आपको डेली में वेयर करने के लिए कोई कुर्ता सेट चाहिए 2 पीस में, तो आप इस कुर्ता सेट को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का है। और इस बॉटम का भी जो फैब्रिक है वो है वो भी कैमरिक कॉटन ही है। इस प्राइस पॉइंट पे इस तरह की क्वालिटी इजीली अवेलेबल नहीं होती है, तो मैं इस कुर्ता सेट को जो है आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। अगर आपको डेली में वेयर करने के लिए कोई कुर्ता सेट चाहिए तो आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। तो ये था मेरा लास्ट कुर्ता सेट, और आज की वीडियो में मैंने जो आपको कुर्ता सेट दिखाए हैं वे काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं। अगर आप इनमें से कोई सा भी कुर्ता सेट लेना चाहें तो ले सकते हैं, सभी के कोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके ट्राई कर सकते हैं। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और आपको इनमें से कौन सा कुर्ता सेट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी और भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।